देवगांव पुलिस ने अवैध असलाह, कारतूस और चोरी की मोबाइल के साथ तीन अभियुक्तों को किया गिरफ्तार। दिनांक 31/12/2023 को वादी मुकदमा करण यादव पुत्र राजाराम यादव साकिन गंगापुर थाना बरदा जनपद आजमगढ़ द्वारा थाना स्थानीय पर शिकायत किया गया कि वादी घर से टिकरगाड़ अपने दुकान पर जा रहा था कि रास्ते में मोटरसाइकिल सवार तीन व्यक्तियों नाम पता अज्ञात ने असलाह सटाकर पर्स मोबाइल फोन लेकर भाग गए, जिसके संबंध में थाना स्थानीय पर मुकदमा अपराध संख्या 610/2023 धारा 382 भारतीय दंड विधान बनाम अज्ञात पंजीकृत कर विवेचना उप निरीक्षक गौरव कुमार सिंह द्वारा की जा रही है। दौरान विवेचना अभियुक्तों शिव सत्यम सोनी पुत्र सत्यनारायण सोनी निवासी भादो थाना दीदारगंज जनपद आजमगढ़, विपिन यादव पुत्र मुन्नी लाल यादव निवासी सोहौली थाना बरदा जनपद आजमगढ़, राजन राजभर पुत्र कन्हैया लाल राजभर निवासी कुसवा चितारा थाना दीदारगंज जनपद आजमगढ़ का नाम प्रकाश में आया। इसी क्रम में आज दिनांक 2/1/2024 को उप निरीक्षक गौरव कुमार सिंह थाना देवगांव जनपद आजमगढ़ में हमराह को क्षेत्र भ्रमण के दौरान मुखबिर ने सूचना दिया कि मुकदमा उपरोक्त से संबंधित अभियुक्त शिव सत्यम सोनी पुत्र सत्यनारायण सोनी निवासी भादो थाना दीदारगंज, विपिन यादव पुत्र मुन्नी लाल यादव निवासी सोहौली थाना बरदा जनपद आजमगढ़ और राजन राजभर पुत्र कन्हैया लाल राजभर निवासी कुसवा चितारा थाना दीदारगंज जनपद आजमगढ़ को ग्राम जीरिकपुर मोड़ से समय करीब 6:35 पर गिरफ्तार कर लिया गया और अभियुक्तों के पास से दो अवैध तमंचा, दो जिंदा कारतूस, एक मोबाइल लूट का बरामद किया गया। गिरफ्तारी और बरामदगी के आधार पर थाना स्थानीय पर मुकदमा अपराध संख्या 4/2024 धारा 3/25 आर्म्स एक्ट बनाम शिव सत्यम सोनी, मुकदमा अपराध संख्या 5/2024 धारा 3/25 आर्म्स एक्ट बनाम विपिन यादव पंजीकृत कर अभियुक्तों का चालान माननीय न्यायालय किया गया। इसी प्रकार थाना कप्तानगंज पुलिस ने गोवध में वांछित तीन अभियुक्तों को गिरफ्तार किया है। दिनांक 28/12/2023 को वादी मुकदमा सुभाष चौहान पुत्र स्वर्गीय शिवपूजन चौहान साकिन गौरा थाना कप्तानगंज जनपद आजमगढ़ द्वारा लिखित तहरीर दी गई कि रात में अज्ञात व्यक्तियों द्वारा वादी के सरसों के खेत में प्रतिबंधित पशुओं का वध कर दिया गया है, जिसके संबंध में थाना स्थानीय पर मुकदमा अपराध संख्या 373/23 धारा 358 गोवध निवारण अधिनियम बनाम अज्ञात पंजीकृत कर विवेचना उप निरीक्षक वंशराज सिंह द्वारा संपादित की जा रही है। दौरान विवेचना अभियुक्तों मोहम्मद सलमान, मोहम्मद लैस, मोहम्मद कैश समस्त पुत्र आशिफ अली उर्फ अशरफ अली निवासी ग्राम गौरा थाना कप्तानगंज जनपद आजमगढ़ का नाम प्रकाश में आया। इसी क्रम में आज दिनांक 2/1/2024 को थाना अध्यक्ष विजय प्रकाश मौर्य मैं हमराह और उप निरीक्षक श्री वंशराज सिंह मैं हमराह द्वारा मुकदमा उपरोक्त में प्रकाश में आए अभियुक्त मोहम्मद सलमान, मोहम्मद लैस, मोहम्मद कैश पुत्रगण आशिफ अली उर्फ अशरफ अली निवासी ग्राम गौरा थाना कप्तानगंज जनपद आजमगढ़ को ग्राम गौरा पुलिया से समय करीब 9:55 पर गिरफ्तार कर लिया गया तथा अभियुक्त मोहम्मद सलमान के पास से घटना में प्रयुक्त दो चापड़ भी पुलिस ने बरामद किया। गिरफ्तार अभियुक्तों का चालान करते हुए माननीय न्यायालय भेज दिया गया।